will start our new chapter, chapter number 6, Understanding HTML. Today we will discuss about HTML. HTML, the full form of HTML is Hypertext Markup Language. In previous class, you study about HTML. आप लोग HTML in previous class में आप इसको study कर चुके हैं, लेकिन here we will define first understanding of HTML, basics of HTML and then the higher level of HTML. तो बात कर लेते हैं इसके HTML के introduction की. तो into today life we are using much and more internet. आज की अगर मैं बात करता हूँ तो आज की life में हम internet use कर रहे हैं और internet पे हम क्या search करते हैं, websites with the help of search engine. search engine की help से हम website use करते हैं. website क्या होती है, website is the collection of web pages. website क्या है, web page का collection होती है. और web page कैसे बनते हैं, web page बनते हैं आपके, कैसे लिखे जाते हैं, web page लिखे जाते हैं आपके HTML में, language में. तो बात कर लेते हैं, the several stores files and information in the form of websites. तो इंटरनेट पर जो आपकी several informations होती हैं, files होती हैं, वो कहाँ पर store होती हैं, आपकी website में. These websites are consist of millions of pages. websites में millions of pages consist होते हैं, which contain text, जो कि आपके text, graphics, videos, audio and link to other web pages via hyperlink, जो कि आपके other pages से हाइपरलिंक के द्वारा कनेक्टेड होते हैं. दिस वेबसाइट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय डिफरेंट यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन. तो इंटरनेट की हेल्प से हम वर्ल्ड में कहीं भी आपकी वेबसाइट यूज कर सकते हैं. वी नीड ए लैंग्वेज टू क्रिएट ए वेबसाइट. वी नीड ए लैंग्वेज टू क्रिएट ए वेब पेज. वेब पेज को बनाने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी. तो HTML इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू डिजाइन वेब कंटेंट्स फॉर द इंटरनेट. तो HTML जो लैंग्वेज है, मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाली लैंग्वेज है, जिसके हेल्प से हम इंटरनेट पर वेब पेज क्रिएट करते हैं. बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML. IBM sowed the seed of HTML. IBM ने सबसे फर्स्ट टाइम इन 1980 में IBM ने HTML का शुरुआत की थी. It was known by the name of GML. 1980 में जब IBM ने HTML की शुरुआत की थी, तब इसको हम पढ़ते थे, इसका नाम हम जानते थे GML, General Markup Language. It was a powerful language that aimed to creating a document. ये आपकी बहुत ही powerful language थी to build, create a web page बनाने के लिए. In which ones could marks the title, जिसमें आपका title होता था, heading होती थी, text होता था, font selection and much more. और भी बहुत सारी चीजें होती थी. In 1986 में GML को ISO ने, जो कि आपके स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में GML को कुछ फीचर्स ऐड करके उसको स्टैंडर्डाइज किया और उसका नाम चेंज करके SGML कर दिया. SGML की फुल फॉर्म थी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. इन 1989 सर टिम Berners-Lee and his team. Sir Berners-Lee, Tim Berners-Lee and उनकी टीम ने इस लैंग्वेज को और अच्छे फीचर्स के साथ ऐड किया और उसका नाम चेंज करके क्या HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कर दिया. आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज है, वो कॉम्बिनेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तीन पॉइंट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज. उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा HTML. HTML इज द कंप्लीट कोड पैकेज दैट अलाउ ए यूजर टू क्रिएट वेब पेजेस. HTML आपका कंप्लीट कोड पैकेज है, जो कि यूजर को वेब पेज क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है या
अलाउ करता है टू क्रिएट ए वेब पेज. इट इंक्लूड्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जिसमें आपके टेक्स्ट और ग्राफिक्स इंक्लूड होते हैं. यू कैन एड लिंक्स टू योर वेब पेजेस, इसमें हम अपने वेब पेज के लिंक भी ऐड कर सकते हैं. हाइपरलिंक्स आर द हाइलाइटिंग टेक्स्ट सेगमेंट और इमेजेस दैट कनेक्टेड ए पेज टू अदर पेज ऑन द वेब पेज. लेट अस एनालाइज द वर्ड HTML. हाइपरलिंक्स हाइलाइटिंग टेक्स्ट सेगमेंट, ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट को हाइलाइटिंग करता है, इमेजेस को आपके कलरफुल बना देता है, आपकी जो इमेज है उनको भी अलग अलग कलर्स में प्रोवाइड, बैकग्राउंड को अलग, फाउंड को भी अलग, सबको अलग अलग कलर प्रोवाइड कराती है. जैसे कि मैंने बताया था HTML को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट यूज टू लिंक वेरियस वेब पेजेस. हाइपर टेक्स्ट क्या है, जो वेरियस टेक्स्ट है जो कि हम वेब पेज बनाने में यूज करते हैं. मार्कअप, इट मीन्स हाइलाइटिंग द टेक्स्ट आइदर बाय अंडरलाइनिंग और डिस्प्लेइंग इट इन डिफरेंट कलर और पॉप. मार्कअप क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट है उसको हाइलाइटिंग करता है, अंडरलाइन करता है और डिस्प्ले करता है इन डिफरेंट कलर में, और इस ये सारी चीजें आपके मार्कअप में आती है. लैंग्वेज, इट रेफर्स टू द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेज HTML. इट रेफर्स टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेज. ये क्या करती है लैंग्वेज, आपकी HTML लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट पेज के बीच में कम्युनिकेशन कराती है. ओके, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और नोटपैड आपको यहां पर सर्च करना है, क्योंकि वी नो दैट HTML राइट इन नोटपैड. HTML लैंग्वेज आपकी नोटपैड में लिखी जाती है. नोटपैड ओपन कर लीजिए. यहां पर हमने नोटपैड ओपन कर लिया है. नाउ एज वी नो दैट, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमारा होता है HTML. HTML टैग होता है, उसके बाद हम बनाते हैं अपना हेड टैग, और हेड टैग के अंदर हम बनाते हैं टाइटल टैग. टाइटल टैग में आप जो चाहे वो लिख सकते हैं. यहां पर आप जो टाइटल देना चाहते हैं, आपका पैराग्राफ जो भी आपने वेब पेज बनाना है उसका जो टाइटल देना चाहते हैं वो आपको यहां पर टाइटल में लिखना होगा. तो टाइटल में लिख देते हैं हम, जैसे कि हम अभी जो सबसे पहले कोडिंग करने जा रहे हैं, हम हेडिंग टैग के लिए कोडिंग करने जा रहे हैं कि हेडिंग टैग कैसे वर्क करता है. तो हम बना देते हैं यूजिंग हेडिंग टैग यूजिंग हेडिंग स्टाइल एंड देन क्लोजिंग टाइटल टैग, और क्लोजिंग टाइटल टैग देन वी क्लोज द हेड टैग. जैसा कि हमने क्या किया था, HTML टैग बनाया था सबसे पहले, उसके बाद मैंने हेड टैग ओपन किया. हेड टैग के अंदर आपने हमने टाइटल बनाया. टाइटल के अंदर जो भी मुझे टाइटल देना था वो मैंने टाइटल यहां पर लिख दिया है यूजिंग हेडिंग स्टाइल एंड देन क्लोज टाइटल टैग एंड क्लोज हेड टैग ऑल्सो. देन नाउ वी स्टार्टेड आवर बॉडी पार्ट. जैसे कि हम जानते हैं कि HTML होता है, HTML के अंदर हेड होता है, हेड में हम टाइटल बनाते हैं और जो अदर पार्ट बचता है वो आपका जाता है आपके बॉडी पार्ट के अंदर. एंड वी हियर वी स्टार्ट द बॉडी पार्ट एंड वी नो दैट वी हैव सिक्स टाइप्स ऑफ हेडिंग इन हेडिंग स्टाइल. तो फर्स्ट वन इज H1, MEPS, Mandavar, and then close H1 heading. ऐसे ही हमें यहां पर देखना है कि हेडिंग वर्क कैसे करता है. तो मैंने यहां से कॉपी पेस्ट करके मैंने सिक्स टाइम यहां पर आपको लिखना है.
यहां पर मैंने हेडिंग टैग हम बना दिए हैं, देन क्लोज बॉडी टैग एंड देन क्लोज HTML। ठीक है, ये अभी तक आपका नोट पैड डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, एक नोट पैड डॉक्यूमेंट बनाना है। नोट पैड डॉक्यूमेंट को जब आप सेव करेंगे, यहां पर मैंने कंट्रोल एस कर दिया इस शॉर्टकट की, एंड देन एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज डॉट, नाम दे दीजिए हेडिंग, एंड देन जो आप एक्सटेंशन देंगे, एक्सटेंशन देना पड़ेगा डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल, देन सेव। अब ये आपकी जो फाइल है, नोटपैड फाइल थी, वो आपके एच टी एम एल डॉक में कन्वर्ट हो चुकी है। यहां पर आपको मिल रहा है हेडिंग, यहां पर एक साइन बन गया जिसका नाम हेडिंग आ गया है। हमने अपनी फाइल सेव कर दी है, और फाइल सेव करने के बाद यहां पर एक साइन बन के आ गया है HTML के लिए, और अब हम इसको HTML साइन को ओपन करने जा रहे हैं। ये डबल क्लिक कर दीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो हमने टाइटल बनाया था, माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको, यूजिंग हेडिंग स्टाइल, तो ये यूजिंग हेडिंग का स्टाइल हो गया था आपने जो बनाया MEPS। तो सबसे हेडिंग वन जो होती है वो क्या करती है, सबसे बड़ा आपको टेक्स्ट देती है, और हेडिंग सिक्स आपको स्मॉलेस्ट साइज देती है हेडिंग स्टाइल में। क्लियर है? चलिए एक और चीज बताया, तो यहां पर आपको कि अगर आपको इस पेज का सोर्स पेज देखना है, तो यहां पर पेज पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए और व्यू पेज सोर्स यहां से आप ओपन कर दीजिए, यहां पर आपको सोर्स पेज दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब और एडिटिंग कर देते हैं हम। अगर सपोज दैट आपको ये ऐसा मिला है, तो यहां पर जो आपको एक्सेस मिलता है, तो ओपन विद नोट पैड कर दीजिए आपको जब एडिटिंग इसमें करना है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करता हूं BR, BR क्या होता है, आपका ब्रेक लाइन होता है, जो कि आपका एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग जिसमें कि हम केवल सिंगल आपका टैग रखते हैं। तो मैंने यहां पर BR यूज किया है हेडिंग वन में, BR MEPS एंड BR टैग और मंडावर। तो क्या करता है, BR टैग लाइन को ब्रेक कर देता है, और विदाउट स्पेसिंग एनी लाइन इट कंटिन्यू विद न्यू लाइन। चलिए हम देख लेते हैं, यहां पर मैं रिफ्रेश कर देता हूं, देखिए MEPS और मंडावर नीचे आ गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया, ये आपका BR टैग करता है। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं आपका HR टैग, HR एट्रीब्यूट आपका क्या करता है HR, तो HR आप कहां लिखते हैं, HR आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो कि आपकी किसी भी पेज के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ जाती है। देख लेते हैं हम, तो आप यहां पे यूज करेंगे सिंटैक्स HR एंड देन साइज, उसका साइज कितना देना चाहते हैं आप, साइज दे दीजिए, एंड देन इक्वल टू साइन, एंड जो भी आप साइज देना चाहते हैं, मैंने यहां पर दे दिया 24, एंड देन सेव एंड रिफ्रेश योर वेब पेज। देखिए यहां पे एक लाइन बन के आ गई, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका साइज आपने दिया था 24। मैं यहां पर और इंक्रीज कर देता हूं, चलिए 60, एंड देन सेव एंड देन रिफ्रेश योर वेब पेज। नाउ सी, आपको दिख रहा है कि आपकी लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। क्लियर? उसके बाद You want to attributes, हम यहां पर attributes यूज करने वाले हैं, changing font style, font style को अगर मुझे change करना है तो हम यहां पर attribute करने वाले हैं। Suppose that we want to, ये heading था, यहां पर आपको bold करना है, तो B लेंगे, as you know that B bold, B का जो bold का syntax होता है वो होता है आपका B
और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कुछ भी कंप्यूटर, वर्क HTML एंड देन क्लोज योर बोल्ड टैग एंड देन सेव एंड देन रिफ्रेश योर वेब पेज। लुक हियर कंप्यूटर वर्क HTML, यहां पर आपको नया टैग मिल गया जो कि आपका बोल्ड है। नाउ मुझे इटैलिक करना है, इटैलिक यूज करना है, तो देन आई टैग आप यूज कर लीजिए इटैलिक टैग, और यहां पर देन क्लोज आई टैग आपका, एंड देन सेव एंड देन रिफ्रेश योर वेब पेज। नाउ लुक हियर कंप्यूटर वर्क HTML इज इन इटैलिक लेटर। नाउ थर्ड वन इज अंडरलाइन, मुझे यहां पर करना है अंडरलाइन, देन वी स्टार्टेड द अंडरलाइन टैग लाइक यू एंड देन क्लोज इटैलिक अंडरलाइन टैग एंड देन सेव एंड रिफ्रेश योर वेब पेज। नाउ लुक हियर सी ऑन द स्क्रीन यू फाइंड द अंडरलाइन, क्लियर। ये था आपका फॉन्ट साइजेस। सपोज दैट अब आपको बात करना है पैराग्राफ स्टाइल की, तो पैराग्राफ स्टाइल और फॉन्ट कलर, पैराग्राफ स्टाइल से पहले हम देख लेते हैं अपना फॉन्ट कलर। चलिए फॉन्ट कलर यहां पर यूज कर लेते हैं। फॉन्ट कलर भी कहां यूज होता है, आपका बॉडी टैग के अंदर यूज होता है, तो मैंने यहां कर दिया फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस इज इक्वल टू, सिंटेक्स लिखना है आपको फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एंड क्यूटो मार्क्स में देना है आपको जो सा भी आप कलर वहां पर लेना चाहते हैं। सपोज दैट कूपर कूपर ब्लैक, कूपर ब्लैक मैंने ले लिया, एंड देन क्लोज योर क्यूटो मार्क्स एंड देन क्लोज योर फॉन्ट फेस टैग, एंड लास्ट में आपको क्लोज करना होगा फॉन्ट टैग। क्लियर, देन सेव, आपने सेव कर दीजिए एंड रिफ्रेश। नाउ लुक हियर आपका फॉन्ट, जो फॉन्ट आपने लिखे थे वो कैसे चेंज हो गए हैं आपके, कूपर ब्लैक में चेंज हो गए हैं। ओके दैट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द फॉन्ट बैकग्राउंड कलर, बिजी कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।